का नाम क्या है? मेरा का नाम मैम। आप किस प्रोफाइल में काम करती हैं? मैं शॉपर स्टॉप में कैशियर हूँ, बिलिंग करती हूँ मैं। आप किस प्रोफाइल में? मैं शॉपर स्टॉप में इंडिया ब्रांड में हूँ, सेल्स गर्ल। सेल्स गर्ल मैम, आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे इस इंटरव्यू में? अच्छा, आप मैम पहले भी कहीं पर कैशियर का काम किया था आपने? क्योंकि इसमें टैली वगैरह आना जरूरी होता है। मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता क्या पैकेज है आपका लगभग? मेरा सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली मैं आप सभी के लिए लेकर के आती हूँ यूनिक कंटेंट। कई सारी जगहों पर मैं घूम रही हूँ और आप सभी के लिए जेन्युइन कंटेंट जो है वो लेकर के आ रही हूँ। लोगों के इंटरव्यूज दे रही हूँ और उनके थ्रू आपको बता रही हूँ कि जॉब वैकेंसी एग्जैक्टली मिलती कैसे है, क्या उस जॉब वैकेंसी में पैसा लिया जाता है या डायरेक्ट हायरिंग होती है, कौन सी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो गाइस, आज मैं आई हूँ गाजियाबाद के एक मॉल में। काफ़ी सारी परमिशंस लेने के बाद मुझे आज यहाँ पर दो लोगों का इंटरव्यू मिला है जो कि शॉप स्टॉपर्स में काम करते हैं, कैशियर एंड सेल्स प्रोफाइल पर काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इनके इंटरव्यू के थ्रू आपको बताऊँगी कि अगर आप अपने ही घर के आसपास शॉपर स्टॉप या किसी भी मॉल में जॉब चाहते हैं। कल में आपने देखा होगा कि कई सारी कॉस्मेटिक्स किप्स रहती हैं, कई सारी रिटेल शॉप्स रहते हैं, तो एग्जैक्टली उन रिटेल शॉप में आपको वो जॉब कैसे मिलती है और क्या उस जॉब में आपको पैसा देना होता है, कितनी सैलरी रहती है, कितने घंटे की जॉब वैकेंसी रहती है, सारी चीजें जो है वो लाइव इंटरव्यू के थ्रू आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल jobnow247.com सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि गाइस अगर आप अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में बनाने की सोच रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ कई सारी जॉब वैकेंसी की इंफॉर्मेशन जो कि 100% जेन्युइन होती है, वेरीफाइड होती है। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो गाइस, मेरे साथ दो लोग हैं जो कि मॉल में शॉपर स्टॉप नाम की एक कंपनी है उसमें रिटेल शॉप में काम करते हैं। जिस वीडियो में मैं बेसिकली इनके इंटरव्यू के थ्रू आपको ये बताऊंगी कि अगर आप अपने ही घर के आसपास या इंडिया के किसी भी लोकेशन पर इस तरीके की नौकरी ढूंढ रहे हैं, मॉल के अंदर जो काफ़ी सारी कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप्स होती हैं, उनमें अगर आप कोई जॉब वैकेंसी ढूंढ रहे हैं तो वो जॉब वैकेंसी एग्जैक्टली मिलेगी कैसे और उस जॉब वैकेंसी में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उस वैकेंसी में पैसे दिए जाते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको लाइव इंटरव्यू के थ्रू इनके थ्रू ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारुल है। अच्छा, आपका नाम पारुल है। मैम आपका नाम? मेरा नाम ममता। मैं दोनों ही पारुल एंड ममता जी के साथ यहाँ पर हूँ। मैम आप किस प्रोफाइल में काम करती हैं? मैं शॉपर स्टॉप में कैशियर हूँ, बिलिंग करती हूँ मैं। अच्छा, आप तो मैम आप किस शॉपर स्टॉप में इंडिया ब्रांड में हूँ, सेल्स गर्ल। सेल्स गर्ल है, ओके। तो मेरे साथ ये दो प्रोफाइल के जो कैंडिडेट हैं वो खड़े हुए हैं जो कि ऑलरेडी शॉपर स्टॉप में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको कोई अपॉर्चुनिटी मैंने प्रोवाइड नहीं की है, ये दोनों काम करते हैं और ये दोनों आपको बताएंगे एग्जैक्टली इनको कैसे ये नौकरी मिली, क्या किसी कंसल्टेंट के थ्रू मिली या कैसे ये इनको ये नौकरी मिली, ये इनके थ्रू ही जानते हैं। क्या इन्होंने इस नौकरी के लिए पैसे दिए, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इनसे इंटरव्यू में, वो सारी चीज़ें मैं इनके थ्रू ही बताती हूँ। तो पहले मैं कैशियर का इंटरव्यू लेती हूँ, देन उसके बाद सेल्स पर्सन का यहाँ पर इंटरव्यू लेती हूँ। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता कैसे चला, ऑनलाइन पता चला कि या आप आए थे उसके थ्रू पता चला? मैंने ऑफलाइन विजिट किया था, स्टोर आई थी, मैंने पूछा यहाँ पे वैकेंसी है नहीं। तो मतलब आप डायरेक्ट वॉक इन आए थे ऐसी मॉल में, जैसे अगर किसी को नौकरी चाहिए वो डायरेक्टली मॉल में जाए और पूछे कि भैया यहाँ नौकरी है या नहीं? हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई मिसलीड नहीं करते हैं, वैकेंसी होती है तो डायरेक्ट हम लोग बैक ऑफिस भेजते हैं, एचआर जो होते हैं हमारे वो बता देते हैं कि यहाँ पर कोई वैकेंसी। हाँ, ओके। तो मैम आप कैशियर का काम करते हैं यानी कि बिलिंग काउंटर पे बैठते हैं, लोग आते हैं उनकी बिलिंग करते हैं। आपका काम क्या होता है एग्जैक्टली मैम बताएंगे लोगों को? जी, जैसे कस्टमर आते हैं उन्हें ऑफर जो भी चल रहा होगा वो हम बताते हैं। हाँ, और उन्हें कुछ एडिशनल जो हमारे प्रमोशन ऑफर होते हैं वो हम उन्हें बताते हैं कस्टमर्स को, ताकि हम अपना एड ऑन सेल कर सके जिससे कंपनी को फायदा हो। अच्छा, ठीक है। और उनको बिलिंग जो है वो करके देते हैं। तो मैम आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे इस इंटरव्यू में? हाँ, यहाँ पे जब आए थे इंटरव्यू में बहुत नॉर्मल इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि फैमिली में कौन है, आप क्या करते हैं, वो भी कंफर्टेबल फील कराते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ टफ क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं। अच्छा, आप मैम पहले भी कहीं पर कैशियर का काम किया था आपने? क्योंकि इसमें टैली वगैरह आना जरूरी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब चीज सिखाते हैं। अच्छा, देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग की बात आई, यहाँ पर सिखाने की बात आई, तो मैम क्या आपसे ये चीज पूछी गई थी कि भैया हम आपको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसे मिले थे?
ट्रेनिंग के हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं। लेकिन आपसे ऐसा कुछ कहा गया था कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे लेकिन उसके लिए आपको पैसे चार्ज जो है हम आपसे करेंगे? वो सब कंपनी बेयर करती है ट्रेनिंग का चार्ज और हमें सैलरी भी देती है। सैलरी भी देती है और पैसे भी, मतलब कोई भी तरीके से आपसे पैसे नहीं लिए गए थे? फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब वैकेंसी थी, आप डायरेक्टली वॉक इन आए थे, आपने डायरेक्टली उनको मैनेजर से पूछा था, एचआर तक वो आपको लेकर गए और जो वैकेंसी थी वो आपको मिल गई। ठीक है गाइस, ये आपके सामने ये जो मैम है जिन्होंने जो कि काफी साल, कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पे शॉपर स्टॉप। 6 साल, 6 साल शॉपर स्टॉप में ये काम कर रही है मैम। क्या पैकेज है आपका लगभग? मेरा 16,000 है। 16,000 पैकेज के साथ पीएफ वगैरह सारी चीजें हैं? जी यस। कितने घंटे की नौकरी है मैम? 9 आवर्स की है, उसमें 1 आवर हमारा ब्रेक होता है। 1 घंटा ब्रेक होता है, ब्रेक में ही मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ गाइज, और काफी टफ होता है इस तरीके के इंटरव्यू लेना, तो प्लीज गाइज आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना जो है लोगों को बताया रियलिटी जो हम लोग पहुँचाना चाहते हैं, 100% जेन्युइन कॉन्टेंट जो हम लोग लोगों को बताना चाहते हैं उसमें आपने हमारी मदद करी, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। अब हम जो सेकेंड मैम है मीना मैम जो कि सेल्स का काम यहाँ पर करती है, उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको भी एग्जैक्टली ये जो जॉब वैकेंसी है वो कैसे मिली। हेलो मैम। हेलो मैम, आपका नाम एक बार सबको बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम ममता है। ममता, सॉरी मैंने मीना बोला, सॉरी। ममता मैम जो है हमारे साथ में है, मैम बेसिकली आप सेल्स का काम करती है तो आपकी यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? मैम हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्स होती है कि जो हमारे सबसे पहले कस्टमर आते हैं हमें उन्हें ग्रीट करना होता है स्माइल के साथ। अच्छा। तो जो हमारे कस्टमर, फिर हमें कस्टमर से मतलब उनसे पूछना पड़ता है कि मैम आपको मतलब क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स चाहिए, किस मतलब ओकेजन के हिसाब से चाहिए या फेस्टिवल्स के हिसाब से चाहिए। तो वही कस्टमर को साइज़ वाइज पूछते हैं कि किस साइज़ में चाहिए, और उनको हम बताते हैं ट्रेंड की कि मैम अभी ये कलर हमारा ट्रेंड में चल रहा है, अभी ये स्टाइल ट्रेंड में चल रहा है। तो कस्टमर को सब बताना होता है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कॉस्मेटिक्स आपके पास है, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। हाँ जी, कलर के बारे में। और फिर हम कस्टमर को मतलब शॉपिंग करते हैं, जो भी कस्टमर को चाहिए होता है उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें शॉपिंग कराते हैं, फिर उनकी देन हम उनको बिलिंग काउंटर पे ले जाते हैं। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको भी ये वैकेंसी, जॉब वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला? मेरे को भी ऐसे पता चलता, मतलब हम जैसे मॉल में जाते हैं, अगर हमें जब जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर पता तो करना ही पड़ता है। तो फिर ऐसे मैं अभी मॉल में गई थी तो कुछ स्टाफ थे, हमने उनसे पूछा कि कोई मतलब जो वैकेंसी है तो आप हमें बता सकते हो, तो फिर उन्होंने भी हमें ऐसे ही बताया था कि हमारा बैक ऑफिस है, आप वहाँ पे जब जाके पता कर लीजिए। मतलब डायरेक्ट वॉकिंस आए आप, जो शॉप स्टॉपर हैं वहीं डायरेक्ट गए और उन्हीं से आपने पूछा? ऑनलाइन आप कभी अप्लाई किया आपने? नहीं, ऑनलाइन कभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि हम इतना ऑनलाइन में ट्रस्ट भी नहीं है, और फिर हम मिस क्योंकि वो पहले पैसे मांगते हैं ऑनलाइन। हाँ, में ज़्यादा होता है अगर पैसे होता फिर जॉब नहीं मिलती, पैसे मांगने के, पैसे उनको देने के बाद भी जॉब नहीं मिलती। okay. तो हमने अपना खुद ही यहाँ पे आए, पता किया और जॉब मिल गई थी हमें। ओके okay. ठीक है मैम, तो जब आप जॉब लेने आए थे तो बेसिकली आपसे किसी ने पैसों की डिमांड की थी क्या यहाँ? नहीं, यहाँ पे कुछ पैसे। अच्छा, जो सेल्स का आपने काम पहले भी काम सेल्स का ही किया था आपने या फ्रेशर एज एन आए थे? पहले मैं एज अ फ्रेशर ही आई थी, फ्रेशर के बाद फ्रेशर, फिर मैंने कैशियरिंग किया था, कैशियरिंग के बाद से मैं सेल्स में हुआ। तो सेल्स की क्या आपको ट्रेनिंग दी गई थी? नहीं, ऐसे कुछ ट्रेनिंग नहीं होती, बस ये होता है कि यहाँ पर रह रहे कि हम सब कुछ सीख जाते हैं, सीख जाते हैं। बेसिक आपका सैलरी पैकेज क्या है यहाँ पर? हमारा 14,000। ओके, इंसेंटिव वगैरह? इंसेंटिव हमारा टारगेट के उस बेस पे होता है, जितना टारगेट होता है अगर हमने उससे अचीव किया तो हमारा उस हिसाब से मतलब इंसेंटिव आता है। ओके मैम, एक बेसिक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जब आप इंटरव्यू के लिए आए थे, काफी सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? जब हम एज अ फ्रेशर आए थे तो एज अ फ्रेशर में वो सिर्फ हमसे हमारी फैमिली के लिए और जो भी हमने मतलब कि हमने क्या मतलब किया है, कोई भी नॉर्मल बच्चा है अगर फ्रेशर है ज्यादा उसको नहीं आता तो वो इजीली क्वालिफाई कर सकता है? हाँ जी, हाँ इजीली कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते, बस वो फैमिली के लिए कर, फैमिली के बारे में पूछते कि कौन कौन आपके फैमिली में है, और फिर हमें वो काम के बारे में बताते कि ये काम हमारा था आप लोग कर लोगे, तो बस कॉन्फिडेंस का उनको बताना होता है कि हाँ हम सब कर लेंगे काम। ओके okay. और फिर अगर एक्सपीरियंस होता है तो फिर वो जो जिस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस होता है वो उसी के अकॉर्डिंग से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है मैम, तो मैम आप बताइए लोगों को कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी होती है, बेसिकली हमारा जो इस यूट्यूब चैनल का मोटिव है गाइज वो ये है कि मैं आपको 100% जेन्युइन जॉब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, जो भी ऑनलाइन आती है, जो भी ऑफलाइन आती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव ये है, हम लोगों तक ये चीज़ मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि जो लोग, कई सारे लोग ऐसे मार्केट में हैं जो कि पैसे चार्ज करते हैं लोगों से नौकरी दिलाने का वादा करते हैं तो वो एग्जैक्टली फेक होते हैं। तो मैं ये आपसे बोलना चाहती हूँ कि कोई भी जॉब वैकेंसी जो भी आती है मार्केट में ऑफलाइन या ऑनलाइन उसमें किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं होते, ये इन्होंने भी बताया और इन्होंने भी बताया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों से आप प्लीज़ दूर रहिए, 100% सिक्योर नौकरी के लिए ही अप्लाई कीजिए। कितनी आसानी से इनको नौकरी मिली, यहाँ पर आए डायरेक्टली इन्होंने पूछा, और भी जगह मैम आपने पूछा होगा? हाँ हाँ, पता करते जहाँ मतलब हम पता करते रहते कि कहाँ कहाँ जॉब होती है, जहाँ भी हमें होता है
तो फिर वहाँ पर आप बता भी देते हो फ्रेंड्स को, और जो भी अगर होती है तो खुद भी अगर जाना होता है तो वो करते हैं। तो ये राइट तरीका है दोस्तों एक बड़े मॉल में नौकरी पाने का। तो गाइज दोनों ने हमारी हेल्प करी, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और गाइज आपसे भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये रियलिटी पता चले कि इस तरीके की नौकरी उन्हें कैसे मिलती है बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी फेक कंसल्टेंट के। और गाइज इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जॉब नाउ 24/7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।